पालनपुर साधु न्याय आंदोलन के अंतर्गत पालघर के दोषियों को दंड दिलाने एवं संतों को न्याय दिलाने हेतु नासिक ना महंत श्री हर्षद भारती महाराज वाराणसी में धरना प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। उत्तर प्रदेश एवं अन्य प्रांतों से एकत्रित हुए संत समाज ने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए अपनी मांग प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री के नाम ज्ञापन देकर के रख और सरकार से यह आग्रह किया कि शीघ्र से शीघ्र पालघर घटना की सीबीआई एवं एनआई द्वारा जांच करवाकर दुष्टों को कठोरतम दंड दिया जाए। इस कार्यक्रम में कैलाश पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोषानंद गिरिजी महाराज ने सबका नेतृत्व करते हुए कहा कि यदि शीघ्र जांच नहीं हुई तो एक सप्ताह के बाद यह आंदोलन देश भर में फैलेगा और चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा। इनके साथ ही अखिल भारतीय साधु छात्र परिषद के महामंत्री स्वामी प्रणव चैतन्य जी महाराज, उज्जैन के आचार्य रामस्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज, स्वामी अंधानंद जी, स्वामी अयोध्यानंद जी, ज्ञानानंद जी, राघव चैतन्य आचार्य राघवानंद जी, असीम चैतन्य, कल्कि चैतन्य जी आदि संतों के साथ साथ अभिनव राष्ट्र निर्माण संघ राष्ट्रीय सचिव सनातन शास्त्री तथा वाराणसी के विप्र गण एवं हिंदू समाज के प्रतिष्ठित जन उपस्थित थे। समाधि पे कल्पुरुष गिरी महाराज सुशील गिरी महाराज की समाधि पे आज हम साधु संत आज आंदोलन पे उतर आए हैं और रैली निकाल रहे हैं, इसलिए हर आगे बड़ा आंदोलन करेंगे। हाँ, और आगे भी हर क्षेत्र में जाएंगे, अलग अलग राज्य में जाएंगे और आंदोलन हम चालू रखने वाले। जब तक हमें सीबीआई जांच की मांग नहीं हो, हमारे संतों को न्याय नहीं मिलता, तब तक ये आंदोलन हम चालू रखेंगे। आज हर हर महादेव।